शारदीय नवरात के पांचवें दिन गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने मां काली के दरबार में पहुंचे। यहां पर उन्होंने मत्था टेका और आशीर्वाद लिया तथा पूजा अर्चना भी की। इस दौरान सेल्फी लेने के लिए उनके चाहने वालों की भीड़ भी जुट गई। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने बताया कि जब यह पहली बार गोरखपुर आए थे तो मां काली के दरबार में आशीर्वाद लिया था। काली माई ने उन्हें 3 लाख से अधिक वोटों से जीत दिलाई। रवि किशन ने कहा कि गुरु गोरखनाथ और पूज्य महाराज जी की पावन धरती पर वे 9वें दिन उपवास पर हैं, इसलिए मां काली के दरबार में दर्शन करने के लिए आए हैं। उन्हें धन्यवाद देने भी आए हैं क्योंकि जीतने के बाद में यहां नहीं आ पाए थे। यही वजह है कि नवरात्र के पावन दिन मां काली के दरबार में आए हैं। उन्होंने कहा कि मां काली में बहुत शक्ति है, पूरा गोरखपुर इन्हें बहुत मानता है। श्रद्धालु जो भी मन्नतें मांगते हैं वह पूरी होती है। चुनाव के टाइम पर हज़ारों लोगों की भीड़ थी, वहीं उतर कर यहाँ पर अंदर गए थे, बहुत मुश्किल से वे दर्शन कर पाए थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, अरे ठीक है भाई, निकल ले। जब हम पहली बार गोरखपुर में आए थे तो पहला दर्शन हमने माता रानी का किया था, यही काली माई का दर्शन किया और काली माई ने हमको 3 लाख से ऊपर वोट से जितवाया। तो गुरु गोरखनाथ की पावन धरती, पूज्य महाराज जी की पावन धरती पर आज मैं नवरात्र भूखल हूँ, मेरा 9 दिन उपवास है। तो आज ये दर्शन मैं माता रानी की किया और काली माई को धन्यवाद, क्योंकि जीतने के बाद हम आए नहीं थे। तो आज ये नवरात्र का बहुत पावन, और ये काली माई जो आप देख रहे हैं इनमें बड़ी शक्ति है और पूरा गोरखपुर इनको बहुत मानता है। इनसे जो भी मनौती करते हैं पूरा होती है। तो हमने जब चुनाव के टाइम में यहाँ पर हजारों भीड़ थी और मैं उतर के अंदर गया था, बहुत मुश्किल से अंदर जा पाया था। तो आज मैं उन्हीं को, माई को धन्यवाद देने आया हूँ।